दोस्तों, आज मैं घूमते घूमते आया हूँ मंदसौर जिले के करजू गांव में। यहाँ पर भरी दोपहरी के अंदर जब सारे किसान अपने घरों में सो रहे हैं, तब एक भाई जो है खेतों में प्लाउइंग का काम कर रहा है। तो चलिए जानते हैं इस युवा किसान से। भैया, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को आपका नाम वगैरह बताइए, कहाँ से आप हैं? मेरा नाम आयुष माली है जी। मैं यहीं का हूँ, करजू गांव का। करजू गांव से, जिला मंदसौर जी। भाई मुझे ये बताइए कि जब सारे लोग अपने घरों में सो रहे हैं, जहाँ से मैं निकल रहा हूँ, तो आप इतनी भरी दोपहरी में इतना बड़ा ट्रैक्टर लेकर खेतों में प्लोइंग कर रहे हैं, तो क्या इसमें आपको गर्मी नहीं लग रही है, थकान नहीं लग रही है, क्या हो रहा है, थोड़ा सा हमें बताइए। नहीं, गर्म तो होता नहीं है। गर्म होता का कोई लॉजिक नहीं है इसमें जी, क्योंकि कंपनी से बिल्ड क्वालिटी ऐसी है कि टेम्परेचर में 50 डिग्री टेम्परेचर में भी चलता है जी। अभी लगभग मेरे हिसाब से 42 से प्लस टेम्परेचर अभी का होगा। मैं भी खुद देख रहा हूँ कि इतनी गर्मी में आप चला रहे हो, युवा किसान है। आप अपने ट्रैक्टर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे किसान भाइयों को भी बताइएगा। कौन सा आपने ये ट्रैक्टर है, कब आपने खरीदा है? ये ट्रैक्टर सोलिस है, जापान का यानमार कंपनी और इंडिया की सोलिस दोनों का कोलैबोरेशन है। ये अपन ने 1 महीने पहले ही लिया है। अच्छा, 1 महीने पहले लिया है। सोलिस 50-24। और आपने ये बड़े टायर वाला यानी कि 4-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर आपने खरीदा है। हाँ जी, इसकी क्या खूबी आपको लगी जो आपने ये ट्रैक्टर खरीदा, जबकि मार्केट में काफी सारी ट्रैक्टर है? ये थोड़ा बाकी सब ट्रैक्टरों से अलग है। जैसे कि अपन किसी भी दूसरे ट्रैक्टर की बात करें, सबसे बड़ी बात तो इसमें शटल शिफ्ट गियर है। अच्छा, मैक्सिमम स्पीड भी इसकी अच्छी है, मैक्सिमम स्पीड आगे और पीछे दोनों बराबर है। आपने इसको कौन कौन से इम्प्लीमेंट के साथ चलाया है? अपने ने 2 इम्प्लीमेंट पलो और कल्टीवेटर दोनों पे चलाया हुआ। दोनों में अच्छा चल रहा है। इस पे गहराई दूसरे ट्रैक्टरों से भी अच्छी मिलती है। अच्छा जी, अगर दूसरे कोई किसान इसे खरीदना चाहते हैं तो आप क्या सलाह देंगे, लेना चाहिए या नहीं? इसका डीजल एवरेज भी अच्छा है। अच्छा, इसका एवरेज बहुत अच्छा है, डीजल एवरेज आपने देखा है? हाँ जी, मैंने इसको 200 घंटे से लगभग ज्यादा चला लिया है। अच्छा, 200 घंटों से अभी ज्यादा आपने चला लिया है। हाँ, और इसका एवरेज जो है आपको काफी पसंद अच्छा है। आपके पास ये पहला ट्रैक्टर है या इससे पहले भी ट्रैक्टर? मेरे पास ये दूसरा ट्रैक्टर है। अच्छा, पहले अपने पास है स्वराज 855, वो भी 4x4 ही। अच्छा, तो वापस आपने स्वराज छोड़कर ये लिया, क्या इसकी विशेषता आपको लगी? वर्किंग कैपेसिटी में फर्क है और गियर इसमें ज्यादा है उससे जी, और स्पीड में भी फर्क है थोड़ा जी। यानी कि नई टेक्नोलॉजी के साथ आप आगे बढ़े हैं जी। किसान भाइयों, आपने भैया से जाना, माली जी से, कि इस ट्रैक्टर की खूबियों के बारे में। चलिए मैं इसकी और डिटेल में आपको बारीकी से जानकारी देता हूं कि इस ट्रैक्टर के क्या क्या फीचर्स हैं जो किसान भाइयों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। सबसे पहला, जो इसको आप देखेंगे फ्रंट साइड से, तो इसका जो लुक है काफी बेहतरीन लगता है। लुक के साथ साथ स्टाइलिश यहां पर सोलिस का लोगो दिया गया है, साथ में LED प्रोजेक्टर लैंप दिए गए हैं, प्लस इंजन गर्म ना हो इसके लिए सभी तरफ से वेंटिलेशन का सिस्टम इसमें किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी जाली, इस साइड में भी जाली, ऊपर भी जाली, सभी तरफ जाली वगैरह दी गई है। यदि आप इसको फ्रंट से देखते हैं तो इसके अंदर काफ़ी अच्छा वेट दिया गया है, ताकि लोडिंग वगैरह के कामों में जो ट्रैक्टर है आगे से उठे नहीं। 4-व्हील ड्राइव के अंदर ये ट्रैक्टर आपको उपलब्ध होता है। यदि हम बात करें इसके बोनट की, तो सिंगल फुट बोनेट है, छोटे से बटन के अंदर ये ओपन हो जाता है। ड्राई क्लीनर इसके अंदर आपको मिल जाता है। यहाँ पर रेडिएटर के सामने जाली दी गई है, जिसमें कचरा वगैरह सीधा रेडिएटर की तरफ नहीं आता है। कूलेंट सिस्टम इसके अंदर दिया गया है। 3 सिलेंडर का ये बेहतरीन इंजन है, और इसके जो RPM है वो 2000 RPM का यह ट्रैक्टर है। यहाँ पर डीजल फिल्टर है, वाटर सेपरेटर फिल्टर आपके अंदर मिल जाता है, कूलेंट टैंक आपको मिल जाता है, प्लस पावर स्टीयरिंग के लिए ऑयल का जो बॉक्स है वो अलग से इसके अंदर आपको मिलेगा। साथ ही अक्सर किसान भाइयों को दिक्कत आती है कि ट्रैक्टर यदि मंडी या मार्केट में कहीं खड़ा होता है तो बैटरी चोरी होने का डर रहता है, तो यहाँ इस बॉक्स के अंदर बैटरी का सिस्टम भी दिया गया है, जो कि आसानी से कभी भी चोरी नहीं हो सकती है। किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर की और खासियत मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि इसके अंदर 210 Nm का टॉर्क है, जो कि आपके ट्रैक्टर को देता है बहुत ही ज़्यादा पावर। काफ़ी पावरफुल ये ट्रैक्टर है। चलिए ऊपर से भी इसके बारे में हम जानते हैं। ये यहाँ पर आप देखेंगे 5 साल की वारंटी इस ट्रैक्टर के अंदर मिलती है, S सीरीज में इन्होंने निकाला है। किसान भाइयों के लिए आसानी से चढ़ने उतरने के लिए यहाँ पर एक बेहतरीन पायदान दिया गया है, साथ में ही ग्रिप दिया गया है, जिसे किसान भाई बड़ी ही आसानी से ट्रैक्टर के ऊपर
चढ़ और उतर सकते हैं। ऊपर से यदि हम इसको ट्रैक्टर को देखते हैं तो काफी आरामदायक एडजस्टेबल सीट यहाँ आपको मिल जाती है, जो चालक है उसको काफी सुविधा यहाँ देती है। पर 50 लीटर का बड़ा डीजल टैंक दिया गया है। साथ में यहाँ पर आप गियर का देखेंगे तो सिंक्रोनाइज गियर यहाँ आपको मिलते हैं, 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स गियर यहाँ पर मिलते हैं। ये है आपका लो मीडियम हैवी का गियर। साथ में इस तरफ है आपके जो स्पीड वाले गियर जो आगे और पीछे की तरफ आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये फोर व्हील ड्राइव से टू व्हील ड्राइव करने का सिस्टम यहाँ आपको मिलता है। इस साइड के अंदर आपको ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। पीटीओ का भी जो गियर है काफी आसानी से ऑपरेट करने के लिए काफी अच्छे जगह पर इन्होंने दिया है, जिसे किसान भाई आसानी से पीटीओ गियर लगा सकता है। प्लेटफॉर्म देखेंगे काफी आरामदायक प्लेटफॉर्म है। क्लच इसके अंदर आपको ड्यूल मिलते हैं, आईओबी ब्रेक मिलते हैं। साथ ही सबसे बेहतरीन सिस्टम यहाँ दिया गया है शटल शिफ्ट का। शटल शिफ्ट गियर के अंदर किसान भाइयों को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। यदि आप जितनी स्पीड से जिस गियर में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं उतनी ही स्पीड में आप पीछे की तरफ आ सकते हैं। और इसकी एक और खासियत ये है कि इसकी जो मैक्सिमम रोड पर स्पीड है वो काफ़ी अच्छी है। कंपनी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी बताते हैं, जो कि अन्य ट्रैक्टरों से काफ़ी ज़्यादा स्पीड में ये वर्क करता है। यहाँ पर इसके जो कंट्रोल पैनल है वो आप यहां देख सकते हैं, काफी बेहतरीन है। साथ में यहां पर जो क्लस्टर डिस्प्ले दिया गया है वहां पर भी आपको सारी चीजें देखने को मिलती है, स्पीड वगैरह, फ्यूल वगैरह, और यहां पर सारी चीजें आपको टेम्परेचर वगैरह सारी चीजें यहां आपको देखने को मिलती। साथ ही यदि ट्रैक्टर की आपकी सर्विसिंग आ रही है तो यहाँ 500 घंटे के बाद इसकी सर्विसिंग होती है, जो कि किसान भाइयों के लिए पैसे की काफी ज्यादा बचत होती है। यहाँ आप देख सकते हैं फोर व्हील ड्राइव में काफी बेहतरीन पावर स्टीयरिंग है। टर्निंग रेडियस भी इसका काफी कम है, जो कि बड़ी ही आसानी से खेतों में इसे आप कम जगह में भी बड़ी आसानी से मोड़ सकते हैं। चलिए चलते हैं इसके बैक साइड में और जानते हैं इसके बाकी फीचर्स के बारे में। किसान भाइयों, बैक साइड में आप देखेंगे कि इसके अंदर काफी अच्छे साइड इंडिकेटर और ब्रेक लाइट्स दी गई है। रात की रोशनी के लिए बड़ा सा लैंप दिया गया है। लिफ्ट कैपेसिटी की यदि हम बात करें तो 2000 केजी की लिफ्ट कैपेसिटी इसके अंदर आपको मिलती है। साथ ही ट्रॉली के लिए हुकिंग पॉइंट भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। हीच के अंदर काफ़ी ऐसे सिस्टम है कि आप अपनी ट्रॉली के साइज से एडजस्ट कर सकते हैं। एडीडीसी वॉल्व इसको दिया गया है, जो कि पल्टीप्लो और दूसरे जो हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं उस पर बेहतरीन काम कर सके। और इसका जो पीटीओ है वो 43 HP का, काफ़ी 540 में 43 HP का पीटीओ किसान भाइयों को मिलता है। साथ ही एडजस्टमेंट सिस्टम दिया गया है, किसी भी इम्प्लीमेंट को आप बड़ी ही आसानी से फिक्स और एडजस्ट कर सकते हैं। इसके फ्रंट टायर 9/5/24 के हैं। बैक जो टायर है 16/9/28 के इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। इंजन काफी बेहतर है, काफी कम आवाज इसका करता है, काफी कॉम्पैक्ट इंजन आपको यहां देखने को मिलता है। किसान भाइयों, ये है 16/50/24 जो कि एस सीरीज के अंदर आता है और अभी किसान भाइयों की पहली पसंद बना हुआ है। मैंने इसके बारे में काफी सारी जानकारी आप लोगों को दी है, और अधिक जानकारी के लिए किसान भाई स्क्रीन पर आए हुए टोल फ्री नंबर से कंपनी से संपर्क करके इसकी और जानकारी ले सकते हैं। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय किसान।